जो लोग भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के 10 साल में हुआ ही क्या है, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में दिया ही क्या है, वो इस बात को समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने देश को गवर्नेंस का वो मॉडल दिया जिस मॉडल को गुजरात में सीएम रहते उन्होंने 12-13 साल पहले अप्लाई किया, अप्लाई करके दिखाया और ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिस पर आज भी गुजरात चलता है, जहां किसी की हिम्मत नहीं कि दंगे भड़का सके। इसी मॉडल पर यूपी चल रहा है, जहां अपराधी को पता है कि अपराध किया तो अगले चौराहे पर योगी पूरा हिसाब कर देंगे। ये वो मॉडल नहीं है जहां कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हों, और ये वो मॉडल भी नहीं है जहां रेप जैसी भयानक घटना हो जाती है और घंटों लग जाते हैं FIR दर्ज करने तक। आज की ही दो खबरें देख लीजिए। बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि FIR दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई। दूसरी तरफ गुजरात की सूरत पुलिस है जिसने गणेश पंडाल पर पथराव के 10 घंटे के अंदर ज्यादातर आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल दिया, सूरत शहर को दंगे से बचा लिया, 10 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन लेकर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। यह वो गुजरात मॉडल है जिसका मजबूत आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए गुजरात में स्थापित किया और आज तक उस लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को वैसे ही फॉलो किया जा रहा है कि बॉस गलत बर्दाश्त नहीं होगा, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं होगी कि अच्छा धर्म विशेष से हैं, इन्होंने पत्थर भी चला दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको माइल्ड कर देते हैं घटना को। इसी तरह का मॉडल सीएम योगी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहा है, इसी तरह का मॉडल हिमंता असम में स्थापित कर रहा है, लेकिन जैसे गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर के मजबूत मॉडल को स्थापित करने में नरेंद्र मोदी को काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा था, वैसा ही चैलेंज सीएम योगी के सामने भी है, क्योंकि यहां विपक्ष इस तरह की राजनीति कर रहा है जिसमें अपराधियों की जाति देखकर उन्हें खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े कद के नेता अपराधियों पर एक्शन का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अपराधी उस जाति का है जो उनका वोट बैंक। जब इस तरह की राजनीति किसी राज्य में होती है तो पुलिस का मनोबल गिरता है, जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस को शाबाशी की जगह सवाल झेलने पड़ते हैं। लेकिन सीएम योगी यूपी में सिस्टम को वैसे ही टाइट कर रहे हैं जैसे कभी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था और जिसका असर आज तक दिख रहा है। इसलिए आज गुजरात और यूपी दोनों की बात करूंगा, यूपी की बात आगे करूंगा, पहले गुजरात के सूरत में कल क्या हुआ और उसके बाद कैसे गुजरात सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, यह अपने आप में एक नजीर है। दरअसल गुजरात के सूरत में कल रात गणेश पंडाल पर पथराव हो गया। जिन्होंने पथराव करवाया वो शायद इस गलतफहमी में थे कि सूरत पुलिस रात में क्या कर लेगी, सुबह आराम से FIR लिखेगी, आरोपियों की तलाश करेगी, इतने में तो सब फरार हो जाएंगे। लेकिन सूरत पुलिस और गुजरात सरकार तो अलग चीता निकली। सूर्योदय होने से पहले गुजरात के गृहमंत्री मौके पर गए, कुछ ही घंटे में सूरत पुलिस आरोपियों के दरवाजे तक पहुंच गई, उन्हें पकड़ पकड़ कर घर से निकाला, सुबह होते होते बुलडोजर एक्शन तक हो गया। आपको इस घटना की पूरी टाइमलाइन बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या बिजली की गति से एक्शन हुआ भाई। रात को 9 बजे गणेश पंडाल पर पथराव हुआ, पुलिस ने हाथों हाथ कुछ नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। रात को 10:30 बजे नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पथराव और आगजनी की घटना हो गई। रात 2 बजे तक पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया। रात 2 बजे तक गुजरात के गृहमंत्री उस गणेश पंडाल में पहुंचकर आरती करते हैं जहां से घटना शुरू हुई, मतलब क्लियर मैसेज चला गया कि गृहमंत्री वहां पहुंचे हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी नहीं है, किसी को कोई हिंसा नहीं करनी है, दंगे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। और गृहमंत्री ने वादा किया कि सुबह के 4:20 से पहले सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, और जैसा गृहमंत्री ने वादा किया वैसा ही हुआ। सुबह 4 बजे से पहले वो सभी लोग पकड़े गए जिन्होंने नाबालिग लड़कों से गणेश पंडाल पर पथराव करवाया। सुबह होने तक पुलिस 3 FIR दर्ज कर चुकी थी, 24 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, और दोपहर होते होते जहां जहां पथराव हुआ और एक्जरी हुई उस गली और उस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल गया। यानी 10 घंटे के अंदर ही पंडाल पर पथराव की घटना के पीछे जो आरोपी थे वो सारे आरोपी पकड़े गए। ये होता है बॉस कानून व्यवस्था का मॉडल जो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्थापित करके आए थे और आज तक फॉलो हो रहा है। एक बार सुनिए कल रात को गुजरात के गृहमंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कल रात भर गुजरात पुलिस ने गणेश पंडाल पर हमला करने वालों को पेच कैसे कैसे टाइट किए। शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले
सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्रों में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। बात अगजनी तक पहुंच गई भाई, पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद सूरत पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इतना ही नहीं, सूरत पुलिस ने उन लोगों को घर से बाहर खींच कर निकाला जिन्होंने नाबालिग लड़कों को पंडाल पर पथराव के लिए उकसाया था। सूरत पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की, 28 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 से 7 नाबालिग लड़के भी पकड़े गए। लेकिन सूरत की पुलिस इन लड़कों को नाबालिग समझकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। भाई नाबालिग थे तो ये काम भी नहीं करना था ना, अगर इतने मासूम थे। सूरत पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नाबालिग लड़कों पर भी कानून के तहत ही एक्शन होगा। अब आपको कल रात की घटना का एक वीडियो दिखाता हूं, जब पंडाल पर पथराव के बाद लोगों ने कुछ बच्चों को पकड़ लिया। नाबालिग बच्चों के झुंड में एक दो बच्चे तो 10 साल से भी कम के लग रहे थे। 10 साल का इससे कम का बच्चा आया है पत्थर फेंकने। एक बार कल जब भीड़ ने इन बच्चों को पकड़ा तो वहां क्या हुआ आप खुद देखिए। वही पंडाल है जहां पर कुछ लोग रिक्शा से पहुंचे, ऑटो से पहुंचे और यहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि गणेश जी की मूर्ति खंडित नहीं हुई, लेकिन ये ढोल आप देख सकते हैं जो फट चुका था, जिसे रातों रात ठीक किया गया है। यहां पर आपको मार्क जो है वो दिख रहे होंगे, क्योंकि बाकी का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन है और ये कलर जो है वो सफेद है। यानी कि ये रातों रात ठीक किया गया है। जो ढोल फटा था उस पथराव में, ये उसके मार्क्स आपको नजर आएंगे। दूसरा आपको दिखाऊं तो हाथ में गणेश जी के मूर्ति के हाथ में जो चुन्नी है उसके ठीक ऊपर आपको जो है पथराव के मार्क्स के निशान जो है आपको दिख जाएंगे। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर जो पथराव हुआ था वो उसके मार्क्स और निशान जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सूरत में नाबालिग लड़कों को पकड़ने के बाद क्या माहौल हो गया उसकी तस्वीरें भी देखी। नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतर गई। इस भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, ये देखिए। मतलब नाबालिग लड़के पकड़े गए क्योंकि उन्होंने पथराव किया, गलत काम किया, उनके सपोर्ट में यह भीड़ आ गई। सड़क पर आगजनी शुरू हो गई। नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उसने पुलिस पर हमला कर दिया। भाई सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कुछ वाहनों में आग तक लगा दी। यह उग्र भीड़ पुलिस के विरोध में धार्मिक नारे भी लगा रही। जब भीड़ ज्यादा बेकाबू होने लगी तो सूरत पुलिस अपने एक्शन में आई। ये बहुत हो गया बॉस, बहुत बर्दाश्त कर लिया। सूरत पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में अपने जवान उतार दिए जिन्होंने लाठी लेकर हिंसा करने वाली भीड़ का तबीयत से फिर इलाज किया। हिंसा भड़काने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, ड्रोन की मदद से निगरानी की। ये देखिए ड्रोन उड़ रहा, सब देख रहा है। हालात बिगड़े उससे पहले सूरत पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर भी दिया। गणेश पंडाल पर हमला एक बहुत संवेदनशील घटना थी। अगर सूरत पुलिस वक्त पर एक्शन नहीं लेती तो यह घटना एक दंगे में तब्दील हो सकती थी। लेकिन गुजरात पुलिस ने दिखा दिया कि वो किस तरह से काम करती है, और यह सब तब होता है जब सरकार सतर्क हो। जब गुजरात के गृहमंत्री आधी रात को मौके पर पहुंच गए तो पुलिस का और अलर्ट हो जाना स्वाभाविक था। गुजरात के गृहमंत्री ने मौके पर पहुंचकर लोगों को भरोसा तो दिया ही, साथ ही अपने सख्त बयानों से पुलिस को भी बिना देरी किए एक्शन लेने की छूट दी। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने साफ कहा कि आरोपी अगर ताला लगाकर भी घर के अंदर छिपे हैं तो ताला तोड़ के बाहर निकालो। और गृहमंत्री के इस बयान के बाद सूरत पुलिस ने आरोपियों का जो हाल किया वो एक मिसाल बन गई। पहले सूरत के गृहमंत्री को सुनिए, फिर आपको पुलिस की ताला तोड़ कार्रवाई दिखाता हूं। આ તાલા તો લોખંડના બનેલા છે, ગમે તેટલા મજબૂત તાલા બાંધશો તો બી તાલા તોડી તોડીને એક એકને નીકાળીને પકડશો। તાલા મારવાથી કોઈ બચી નથી જતું, પથ્થર મારવાની હિંમત નહીં કરતી। ગમે ત્યાં છુપાયા હશે અંદર લઈ। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सूरत पुलिस ने सूरज उगने से पहले ही पंडाल में पथराव की साजिश रचने वालों को पकड़ लिया।
सूरत पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि नाबालिग लड़कों को पंडाल में पथराव के लिए उकसाने वाले कुछ लोग घर में छिपकर बैठे हैं और बाहर से ताला लगा दिया है। पुलिस आएगी, सोचेगी घर में कोई है नहीं। सूरत पुलिस गलियों की खाक छानते हुए अंदर तक घुस गई, आरोपियों के घरों के ताले तोड़ दिए। ये देखिए, ताला लगा के बैठे, घर के ताले तोड़े तो अंदर कुछ आरोपी छिपे हुए। कोई आरोपी पर्दे के पीछे छिपा था, कोई बेडरूम में छिपा हुआ था। इन आरोपियों को लगा कि घर में छिप जाएंगे तो बाहर से ताला लगा देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सूरत पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस को पहले ही अलर्ट कर दिया था, जिससे पुलिस को यह पता चल गया कि ताला तो सिर्फ एक बहाना है। आप देखिए, जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ घरों के ताले तोड़े तो पुलिस की टीम में महिला पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में मौजूद थी। महिला पुलिसकर्मी ने खुद मोर्चा संभालते हुए आरोपी के घर का ताला तोड़ा। जहां से आरोपियों को पकड़ा गया वहां से आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। अब देखिए, ये ताला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये ताला तोड़ा गया है और खिड़की भी देखिए तोड़ी गई है। और यहाँ पर स्पॉट पर इस वक्त हम पहुंचे हुए एक्सक्लूसिवली, यहीं से सूरत पुलिस जो है वो यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही थी। इस एक दरवाजे को भी यहाँ पर इस दरवाजे को भी तोड़ती हुई नजर आ रही थी। अभी भी फिलहाल ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अंदर की तरफ अभी भी आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। और इस घर से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरें हैं के अंदर छुपे हुए थे, जो कुछ हुआ, पथराव वगैरह हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद जिन आरोपियों की तलाश सूरत पुलिस कर रही थी, वो सब बाहर से ताला लगाकर अंदर की तरफ छुपे हुए थे, जिसके बाद ताला तोड़ तोड़ कर आप देखिए। हमारे कुछ ऑफिसर्स को भी चोट लगी थी, उन्होंने देखा था किस घर से पत्थर आ रहे थे, तो वो जैसे भी पुलिस की पूरी टीम जब नीचे उन्होंने पेट्रोलिंग काउंटर करना चालू किया तो ये लोग भाग नहीं पाए घरों से, लेकिन अंदर से ताला बंद कर दिया। कुछ लोगों ने बाहर से भी ताला बंद करा दिया। 3-4 स्टोरी घर थे, लेकिन अपने को पहले चूंकि वहीं से पत्थर आए हुए हैं, सब पुलिस भी विटनेस ही थी, तो जब उसमें हम लोग घुसे खुलवा के या कुछ भी खोल के घुसे तो सभी अपने घरों में छुपे हुए, नीचे से कोई पर्दे के पीछे पूरे चुपचाप छुपे हुए वहीं से मिल गए। तो ये जो बाद में पत्थर मारा के, ये तो एकदम प्री प्लान ढंग से उन्होंने मार के अपने आप को कैसे बंद करके रखा था कि जिससे पुलिस को लगे कि ये कोई रहता नहीं इस घर में जो है।